अभिनेत्री चाहे कितनी भी मशहूर हो, लेकिन कहते हैं कि शादी करने के बाद और जब वो माँ बनती है तो उसके लिए इंडस्ट्री में जमे रहना खासा मुश्किल काम हो जाता है। भारत में ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियाँ हैं जिन्होंने विवाह करने के बाद जब माँ बनने का फैसला किया तो उन्हें इंडस्ट्री से आउट कर दिया गया। लेकिन उत्तरी अफ्रीकी और अरबी बोलने वाले देश मोरक्को की मशहूर अभिनेत्री फातिन हिलाल बिक ने जब शादी की और फिर वो माँ बनी तो उन्होंने इस चुनौती को नए सिरे से स्वीकार किया। 2013 में हसन बोंजुलन की फिल्म द मून रेड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली और बतौर सिंगर अरेबिक देशों के साथ यूरोप में भी धूम मचाने वाली हिलाल ने जब माँ बनकर गाने का फिर से फैसला किया तो स्टूडियोज़ ने उन्हें वापस लौटा दिया, लेकिन वो जमी रहीं और हाल में जब उन्हें सफलता मिली तो उन्होंने फैसला किया कि वो स्टूडियो अपने बेटे के साथ ही जाएंगी। अपने बेटे को सीने से लगाकर उन्होंने लॉकडाउन के बाद फिर से दोबारा जीवित हुई इंडस्ट्री में जब गाना गाया तो उनका गाया गाना दुनिया भर में छा गया। प्रेम और ममता से भरा उनका ये गाना हिलाल ने हमें खुद भेजा है, आइए हम आपको वो गाना सुनवाते हैं, आप उसे सुनिए और इन्जॉय कीजिए। मैं रामकिशोर पारचा दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के न्यूज़ चैनल डिफ न्यूज़ के लिए दिल्ली से।